अधिकारों की जंग में केजरीवाल, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र ने मांगा जवाब। अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, सीबीआई जांच रोकने की अपील खारिज, 12 सितंबर तक सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर को गिफ्ट में दी होंडा सिटी गाड़ी, चीफ इंजीनियर को सत्ताधारी दल के नेता का संरक्षण, मेयर ने दिए जांच के आदेश। शताब्दी दुरंत और राजधानी में आज से किराए बढ़ाने के नए स्कीम लागू, खानपान हो सकता है 30 से 40% तक महंगा। घूस मांगे जाने पर भड़क गए कॉमेडियन कपिल शर्मा, ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछ डाला, क्या यही आपके अच्छे दिन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीएमसी को लेकर दिया जवाब, कहा घूस मांगने वाले अधिकारी का कपिल नाम बताएं, करेंगे कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का फैजाबाद में रोड शो, अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर के लिए दर्शन, 26 साल बाद अयोध्या में गांधी परिवार का कोई सदस्य। ओडिशा के अनुगुल में बड़ा सड़क हादसा, पुल से 50 फीट नीचे गिरी बेकाबू बस, 20 लोगों की मौत, 17 घायल, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, सीएम से मांगी जांच रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में 7 गन्ना किसानों ने आत्मदाह का ऐलान किया, प्रशासन को 15 सितंबर तक बकाया गन्ना के भुगतान का अल्टीमेटम, 14 गांव के गन्ना किसानों ने बुलाई पंचायत। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती की महिलाओं को सौगात, आज सीएम स्कूटी स्कीम की शुरुआत करेंगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपकी सेहत से खिलवाड़, मिलावटी पेड़ा कारोबार का पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार, मगरमच्छ भगाने वाले कॉयल से बनाए जाते थे पेड़।